करेंगे कमर को दर्दों को दूर करने के लिए स्पाइनल ट्विस्टिंग, दोनों हाथ सीधे लाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे, भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे, भरते हुए आगे। कुछ सेकंड के लिए रोक के रखेंगे सामान्य श्वास के साथ में, दूसरी तरफ रोकेंगे, लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे, अपनी क्षमता अनुसार करना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास भरेंगे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बेंड होंगे, श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बेंड होंगे। कुछ सेकंड रोक के रखेंगे, जितना नीचे तक जा सकें जाने की कोशिश करें, दूसरी तरफ रोक के रखेंगे, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नोस्टल से सांस भरेंगे, गहरी लंबी सांस भरें और राइट से निकाल देंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। श्वास भरते समय गर्दन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए मुद्रा कैसे रखेंगे वो हम बताते हैं। दोनों उंगलियों को मिलाएंगे, माथे पे रखेंगे, श्वास भरेंगे लेफ्ट से, धीरे धीरे श्वास भरें, फिर धीरे धीरे राइट नोस्टल से निकाल देंगे, राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। सांसों की गति इतनी सामान्य होनी चाहिए कि अपने कानों को भी सुनाई ना दे। गहरी लंबी धीमी सांस भरें, उससे भी धीमी गति से बाहर निकालेंगे। स्टार्टिंग में 4 से शुरू करें और 9 तक ले जाने का प्रयास करें। आवृत्ति 4 से स्टार्ट करेंगे और 9 तक ले जाएंगे, धीरे धीरे 9 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। कपालभाति क्रिया करते समय इस बात का विशेष ध्यान दें, श्वास भरते हुए पेट अंदर, छोड़ते हुए बाहर। ऐसा हर कोई करता है, बल्कि ऐसा नहीं करना है, इसका अपोजिट करना है अपने को। श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, केवल श्वास छोड़ने पे ही ध्यान देना है। इस क्रिया को 20 बार करके आप रुक जाएंगे, थोड़ा सा विश्राम करने के बाद दोबारा इसको शुरू कर देंगे। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते चले जाएंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस क्रम को हम 8 से 10 बार करेंगे। शुरुआत में 8 से 10 बार करेंगे, धीरे धीरे इसको भी हम बढ़ा सकते हैं।
अब हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों हाथ पीछे टिका लेंगे, पैर के पंजे को अंदर बाहर करेंगे, श्वास के साथ में करेंगे, श्वास भरते हुए पैर के पंजे को खोलेंगे, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर के पंजों को अंदर की तरफ लाएं, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाएं, श्वास भरेंगे पंजों को खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए अंदर लाएं, भरते हुए खोलेंगे छोड़ते हुए अंदर लाएं। 8 से 10 बार इस क्रम को करेंगे। इसके बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, पैरों को गोल गोल घुमाएंगे। आठ से दस बार घुमाएंगे, फिर दोबारा इसको रिवर्स घुमाएंगे। धीरे से रुकेंगे, पैर के पंजे पे अपने एड़ी को रखेंगे, लेफ्ट राइट ले जाएंगे, पंजे के ऊपर एड़ी रखेंगे, पैर को साइड में ले जाएंगे, बीच में आते हुए रुकेंगे, पैर चेंज करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, बीच में आके रुकेंगे, चेंज करेंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे। इस क्रम को भी हम 8 से 10 बार करेंगे। अब हम वक्रासन करेंगे। एक पैर को क्रॉस करके रखेंगे, अपोजिट हैंड से पकड़ेंगे, जो पैर नीचे हैं उसी हाथ से पकड़ना है, घुटने को दबाना है, पेट पे दबाव पड़े, दूसरा हाथ अपने पीछे की तरफ ले जाएंगे, गर्दन भी पीछे की तरफ घुमा के रखेंगे, कुछ सेकंड के लिए रोक के रखेंगे। धीरे से हम चेंज करेंगे, अपोजिट करेंगे दूसरे पैर से, श्वास छोड़ते हुए दबा के रखेंगे,